आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कुछ कंसंट्रेशन दी गई है SO2 की इन PPM में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमें मीन निकालना है किसका, कंसंट्रेशन SO2 का, ठीक है। चलिए हमने टेबल ये बना लिया। आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमें xi की वैल्यू निकालनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जब भी हमें ये दिया होता है क्लास इंटरवल में, तो हमें क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, xi इक्वल टू एल प्लस यू अपॉन 2। एल क्या होगा, लोअर लिमिट, और यू क्या होगा, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कैसे निकालते थे, इसको और इसको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू आएगी, 0.02। इस तरह से इसको और इसको ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आएगी 0.06। इसको और इसको ऐड करो, वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2, 0.12, ठीक है। उस तरह से उसके बाद 0.14, उसके बाद 0.18, उसके बाद 0.22। ये हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमें ये फाइंड करना आना चाहिए अब, ठीक है। अब आप लोगों को क्या चाहिए, अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू कैसे निकालते थे हम, आप मैंने क्या बोला था, अगर मिड वैल्यू नहीं बन रही हो तो ये आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी अज्यूम्ड ले लो वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में मिड वैल्यू बन रही थी, अब यहाँ काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब किसको लोगे, ऊपर से अगर 3 छोड़ते हैं तो नीचे बॉटम में 2 बचते हैं, अगर ऊपर से 2 छोड़ते हैं वैल्यूज और नीचे बॉटम में 4 बचते हैं, तो मिड वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू ले ली ये वाली, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। तो आपकी मर्जी है, अज्यूम्ड किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। अब अज्यूम 0.02 माइनस 0.14, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.12, ठीक है। उसी तरह माइनस में आएगी, उसी तरह 0.14 माइनस 6 तो क्या आएगा, 0.08। उसी तरह 10 है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0.04, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0.14 माइनस 0.14, ठीक है, 0.14 माइनस 0.18 तो क्या वैल्यू रह जाएगी, 0.04, ठीक है। उस तरह से वैल्यू क्या रह जाएगी, अब 0.08, ये आपकी UI निकल गया। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी, 12 4 48 आता है तो 0.48 होगा, 8 9 72 होता है तो माइनस 0.72 होगा, क्योंकि पॉइंट में आ रही है तो वैल्यू पॉइंट में ही रहेगी। तो इसी तरह माइनस 0.36 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आगे करेंगे 0.16 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 8 2 16 होता है 0.1। अब इन सबको ऐड करना है, पता ना ऐड करने का फॉर्मूला, इन सबको ऐड करने के बाद वैल्यू हमारी आती है माइनस 1.56, ठीक है। ये सिखाया हमने ऑलरेडी, पीछे कर चुके हैं, और इसको दोनों को ऐड करने का वैल्यू आती है 0.32। अब इन दोनों को माइनस करो, वैल्यू क्या रह जाएगी, 0.32, 1 माइनस आएगी वैल्यू 0 माइनस 1.24, ठीक है। ये आ गई आपकी सिग्मा FIUI, ठीक है। उसके बाद आप इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, वैल्यू क्या आएगी, 30, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब फॉर्मूला क्या था, X बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI या UI, जिसको मर्जी ले लो आप, DI भी ले सकते हो, UI भी ले सकते हो, अपॉन सिग्मा FI। तो A की वैल्यू क्या, हमारे पास क्या लेट किया था हमने, 0.14 प्लस 1.24 माइनस में था ये, डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो वैल्यू, ये जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा, 0.413, ठीक है। अब करो ऐड, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.14 माइनस 0.413, ठीक है, ठीक। अब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0.0987 PPM, ये आपका एक्स बार निकल गया। ये था मीन, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।